अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मलेशिया में हमारे इलाके की मस्जिद में इफ्तारी का सेटअप कैसे होता है। ये जी दस्तरखान खोला जा रहा है, ये पेपर। नमाज वगैरह का टाइम हो जाए तो फिर यहीं पे नमाज पढ़ लेते हैं रोज़ेदार हज़रात। एक दो आदमी की पिक्चर करो, एक आदमी गंदी डालेगा, एक आदमी पता रखेगा, एक अच्छा लगेगा, आने ढेर लग जाता है। ये साइड में बिछा चुके हैं ब्रिक फील्ड कुआलालंपुर मलेशिया। मस्जिद में इफ्तारी का तकरीबन मलेशिया में हर मस्जिद में ऐसे होता है। ये डब्बा खोलने का स्टाइल है भाई। ये जो है दूध और चीनी मिक्स है, कंडेंस मिल्क। कारीगर डब्बा खोलने के ये भाई इन्नी मच्चा। कंडेंस मिल्क के साथ ये बनाया जा रहा है जी दूध वाला। ये जी मल्टी विटामिन दलिया या हलीम कह लें आप, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ, दालें और समटाइम गोश्त वगैरह भी शामिल होता है। तकरीबन मलेशिया की हर मस्जिद में इस तरह का यानी इफ्तारी का सेटअप होता है, तो ये काफ़ी मज़े का होता है। ये हलीम और ये भाई इधर गुच्छे से केले अलग कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह पर अलग अलग चार चार बंदों का सेटअप बनाया हुआ है, तो चार चार केले और चार चार ये हलीम की कटोरी। तो इस हिसाब से जूस वगैरह, बिरयानी वगैरह पूरा एक सेटअप होता है। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ये काफ़ी दोस्त ये शुरू कर रहे हैं और इफ्तारी से तकरीबन 10-15 मिनट पहले ही ये काम मुकम्मल होता है। सामान लगाना शुरू हुआ है अभी। ये चावलों की मिठाई जो कि मलाई डिश समझी जाती है, चावलों की मिठाई, खजूरें हैं और ये पकोड़ा टाइप पकोड़े हैं या टिक्कियाँ हैं, स्पाइसी हैं यानी कि ये हर प्लेट में रखे जा रहे हैं। बिरयानी के डब्बे कांजी हलीम टाइप, ये चार चार बंदों का सेटअप बना रहे हैं। अभी आदमी आना शुरू हुए हैं, अभी टाइम नहीं हुआ इफ्तारी का। खाने के बाद ये जो प्लास्टिक लटका दिए हैं इसमें अपना वो डालो, जो भी प्लास्टिक है ये कटोरी गिलास वगैरह, तो निकल जाओ। डिस्पोजेबल बर्तन है। Okay, I think I go to the toilet. Go, please.
बारिश भी आ गई है काफ़ी तेज़। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।